एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये आपके म्यूचुअल फंड का लास्ट क्वेश्चन है। ए भाई ठीक से बढ़िया, सही से कर। ए आपका ये म्यूचुअल फंड का लास्ट क्वेश्चन है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये रिकॉर्डिंग का, लेकिन आपके जितने क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करने, हर टाइप का मैंने एक एक सम बता दिया है। अब ये वाला एक सम है जिसके अंदर क्या बोला है कि नीला इन्वेस्टर 25,000 इन म्यूचुअल फंड इतने तारीख को उसने इन्वेस्ट कर दिया, और उस टाइम पे एनएवी कितना था, 27 रुपए था। अच्छा अब करने के बाद उसको टोटल गेन मिला, टोटल गेन इतना मिला और डिविडेंड 3.2 पर यूनिट, एक यूनिट पे उसको डिविडेंड 3.2 का मिला। अच्छा ही रिडीम, उसने सारे यूनिट बेच दिए विद नो एंट्री नोट नो एग्जिट नोट, ठीक है। फाइंड द एनएवी, जिस तारीख को उसने बेचा था 20 तारीख को, उसका एनएवी निकालना है, मतलब हमें सेलिंग एनएवी निकालना है, सेलिंग एनएवी। अच्छा इसने मुझे टोटल गेन दे दिया है ना, तो आप टोटल गेन से अंदाजा लगाओ, टोटल गेन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर देखो हमें डिविडेंड दिया हुआ है, अगर हमने डिविडेंड माइनस कर दिया टोटल गेन से, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल गेन मिल जाएगा। और फिर कैपिटल गेन में से अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिसीव्ड अमाउंट मिल जाएगा। अगर एक बार रिसीव्ड अमाउंट मिल गया तो रिसीव्ड अमाउंट से हम एनएवी निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर सबसे पहले परचेस एनएवी कितना है अपना, यहाँ पे 27 रुपए परचेस एनएवी ऑन 14/4/2008, ये हमारा कितना है 27.1584 बरोबर। अच्छा इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 25,000 और 25,000 है, और परचेस एनएवी कितना है, तो यहाँ पे भी जीरो ठीक है। अच्छा इसको डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। लास्ट बेंच आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा अब डिविडेंड मुझे बता दो कितना आएगा, ये डिविडेंड बता दो। देखो आपको नंबर ऑफ यूनिट इतना है, एक यूनिट पे 3.2 मिल रहा है, तो 920 यूनिट पे कितना मिल जाएगा आपको, आप मल्टीप्लाई कर लो 2,946.51, इतना तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा ये अमाउंट। अच्छा अब मुझे एनएवी निकालना है, सेलिंग एनएवी निकालना है ना, मेरे पास टोटल गेन दिया हुआ है। अच्छा अगर मैंने टोटल टोटल गेन में से डिविडेंड माइनस कर दिया, डिविडेंड माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल गेन मिल जाएगा बरोबर। टोटल गेन कितना था हमारा, टोटल गेन हमारा था, ये क्वेश्चन में दिया था 4,345.70, डिविडेंड कितना आया 6.51। अच्छा अब माइनस करने के बाद इसमें कितना आ जाएगा मेरे पास 1,206,919, ठीक है। अच्छा अब देखो ये कैपिटल गेन आ गया, अच्छा कैपिटल गेन में से अगर
मैंने इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? माइनस कर दिया तो अच्छा प्लस होगा। देखो ये कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन कैसे आता है अपना याद करो, रिसीव्ड अमाउंट माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस है ना यहाँ पे। अब ये इन्वेस्टमेंट जब ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट लिख देता हूँ, अमाउंट माइनस इन्वेस्टमेंट। अभी कैपिटल गेन कितना है, 1040.9। रिसीव्ड अमाउंट माइनस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है अपना 25,000। अच्छा अब रिसीव्ड अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो ये इसमें ऐड हो जाएगा 25,000 ऐड, यहाँ पे माइनस है ये साइड प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 29,353.7 जीरो बराबर। ये रिसीव्ड अमाउंट होगा 352.70। अच्छा ये तो रिसीव्ड अमाउंट हो गया ना। अच्छा रिसीव्ड अमाउंट कैसे आता था याद करो, नंबर ऑफ यूनिट डिवाइड बाय हम लोग क्या करते, मल्टीप्लाई बाय एनएवी करते थे ना, सेलिंग एनएवी बरोबर। याद करो हम लोग क्या करते थे, रिसीव्ड अमाउंट कैसे निकालते थे, रिसीव्ड अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट यूनिट इनटू एनएवी, एनएवी ऑन 20/1 मतलब सेलिंग एनएवी, ये क्या दिखता है। अच्छा अभी मेरे पास रिसीव्ड अमाउंट है और नंबर ऑफ यूनिट है, ठीक है। रिसीव्ड अमाउंट कितना है 293.5.170। अच्छा नंबर ऑफ यूनिट कितना है मेरे पास 920.783 इंटू एनएवी, सेलिंग एनएवी बोलो या एनएवी ऑन 28/2008। ठीक है अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो मेरे पास एनएवी कितना आ जाएगा, एनएवी ऑन 2008 इज इक्वल टू 2935.2.70 डिवाइड बाय 920.78। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा एनएवी, 2131.87.80, 37। ठीक है कोई डाउट, नहीं बरोबर है क्योंकि ये वाले टेस्ट बुक में अच्छे 2 मिनट, 29 है ना, ये आपका 43 है। अच्छा कैपिटल अमाउंट कहाँ गया, ये अमाउंट कितना आया है आपका, हाँ अच्छा ठीक है आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना, तो एक बार वेरीफाई कर लो ये हो जाएगा। ठीक है अच्छा यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड खत्म हुआ रिकॉर्डिंग का, लेकिन अभी हमें करना है ठीक है प्रैक्टिस। आशा रिकॉर्डिंग में भी आशा